खम्मम नेशनल जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट इस महीने की 24 से 27 तारीख तक सरदार पटेल स्टेडियम में होगा। ये टूर्नामेंट इस महीने की 24 से 27 तारीख तक सरदार पटेल स्टेडियम में होगा। नेशनल नेटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद ख्वाजा खान ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ तस्लीम शुदा रियासतों की टीम्स ने इसमें हिस्सा लेंगी। स्टेट नेटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी व असिस्टेंट आईटी एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी जयेश रंजन को टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने की दावत दी। इस मौके पर स्टेट नेटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट बी यादव कृष्णा राव, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठौड़, वाइस प्रेसिडेंट टी सुरेश कुमार विजय वर्धन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा खान, बी मनोज कुमार, सईद मोहम्मद अहमद रहमान, जौरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद ख्वाजा खान, वाइस प्रेसिडेंट नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल सेक्रेटरी नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अलॉटेड द 33rd जूनियर नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप टू नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना। इट इज ऑर्गेनाइजिंग एट सरदार पटेल स्टेडियम खम्मम फ्रॉम 24th टू 27th फरवरी 2021 फॉर दिस चैंपियनशिप अक्रॉस इंडिया 29 स्टेट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। फॉर दिस चैंपियनशिप वी आर गोइंग टू इन्वाइटिंग एज ए चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ गारु, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री जयेश रंजन गारु, आईटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट तेलंगाना श्री अलीपुर वेंकटेश्वर रेड्डी गारु, सैट्स चेयरमैन श्री जगदीश्वर यादव गारु, तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी श्री ए जगन मोहन राव गारु, प्रेसिडेंट हैंडबॉल प्रेसिडेंट हैंडबॉल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ए प्रेम राज गारु, सपेक्टेकरा प्रेसिडेंट इंडिया एंड ऑफिस बेरर्स ऑफ ऑल ओलंपिक एसोसिएशन मेंबर्स एंड ऑल प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज ऑफ नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना अफिलेटेड यूनिट्स। फॉर दिस चैंपियनशिप टोटल प्लेयर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, 1000 मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स एंड ऑल आर देयर। फॉर दिस चैंपियनशिप वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एट खम्मम। Once again, I am very thankful to Netball Federation of India for allotted the 33rd Junior National Netball Championship for at Telangana. Thank you everyone.